हमें फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की और समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाने। सवाल ये है, वाकई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा है या कांग्रेस से देख रही है दूर खड़ी कि हाँ हम धीरे धीरे और ज्यादा पीछे आ रहे हैं। इस सप्ताह किसानों ने आंदोलन शुरू किया और आज भी आंदोलन जारी है। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुद्दा देश का में आज बात इस सप्ताह बड़े मुद्दों की होगी जो घटित हुए हैं और जिन पर चर्चाएं हुई हैं और जिसमें कहीं ना कहीं देश के हित की बात भी हुई है, साथ ही साथ राजनीति में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे गए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं जो है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें। यहां पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया और भेदभाव का आरोप लगा दिया। हालांकि इसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जिसको जाना है जाए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की और समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये वही शख्स हैं जो लगातार अपनी बयानबाजियों से सुर्खियों में बने रहते हैं। सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर इन्होंने हमेशा से ही इस तरह की बयानबाजी की है। हालांकि उस पर किसी तरह का कटाक्ष यहां पर अखिलेश यादव द्वारा या डिंपल यादव द्वारा या इधर शिवपाल यादव द्वारा नहीं देखा गया, लेकिन अब इन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जाएंगे, कहां का रुख करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे नाम है राजनीति में जो एक जगह टिक नहीं सकते, उन्हीं में से एक नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इसके अलावा कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस को झटका लगा। हालांकि कांग्रेस ये दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी इधर उधर हो जाए। अब सवाल ये है, वाकई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ रहा है या कांग्रेस ये देख रही है दूर खड़ी कि हाँ हम धीरे धीरे और ज्यादा पीछे आ रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, जनता के हर मुद्दे का ध्यान रखने का वादा किया, क्योंकि यहां पर सप्ताह की शुरुआत में ही नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था। उसके बाद विधानसभा में बजट बिहार का पेश किया गया और इस बजट में कहा जा रहा है कि जनता के हर मुद्दे का ध्यान रखने का वादा है, लेकिन सवाल यह है कि जनता का कितना ध्यान रखा जाएगा और नीतीश पर कितना विश्वास जनता करेगी, क्योंकि नीतीश कह रहे हैं कि अब हम सही जगह पर आ गए हैं, अब हम पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का इसी सप्ताह एक और बयान आया कि दरवाजे तो खुले हुए हैं, जाने कौन कब कहां से आ जाए। ये इशारा किस तरफ था, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीएम नीतीश ने संजय कुमार झा को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया, ये भी ट्रेंडिंग में रहा मुद्दा। इसके अलावा जयंत चौधरी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे और समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक कई झटके सप्ताह लगे हैं। जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा, उससे पहले बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान कर दिया था। इसके बाद जयंत चौधरी का एक ट्वीट आता है कि दिल जीत लिया, तभी से ये कयास लगने लगे और इस सप्ताह ये बड़ी घटना घट गई, जो कि राजनीति के लिहाज से वाकई कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि इस सप्ताह किसानों ने आंदोलन शुरू किया और आज भी आंदोलन जारी है। देखिए, इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी कि भारत रत्न अडवाणी, चौधरी चरण सिंह समेत 5 लोगों के नामों की घोषणा की गई है, लेकिन स्वामीनाथन हो चाहे चौधरी चरण सिंह हो, दोनों ही किसानों के हित में रहे हैं हमेशा से ही। इसके बावजूद भी ये कयास लग रहे थे कि किसान जो है अब कहीं ना कहीं सरकार को माफ कर देंगे या वो भूल जाएंगे, लेकिन किसान भूला नहीं है। किसान 5वें दिन भी आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, भारत बंद किया, शंभू बॉर्डर पर हलचल मची हुई है, किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हुए हैं, साथ ही साथ सारे बॉर्डर दिल्ली आने के लिए सील कर दिए गए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं। यानी कहा जा सकता है कि वो अच्छी बात है कि भारत रत्न उन दोनों को दिया जा रहा है, लेकिन इसका असर आप राजनीति करके
लाभ नहीं ले सकते, ये किसानों ने दो टूक सरकार से कह दिया है। हालांकि रविवार को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इस बैठक में कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि MSP की गारंटी सरकार कैसे दे सकती है, क्योंकि सरकार के कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे पेज फंसे हुए हैं कि अगर हम MSP की गारंटी देते हैं तो बड़ा यहाँ पर बोझ जो है वो सरकार पर पड़ जाएगा। और यही वजह है कि MSP गारंटी के बार बार दावे किए जा रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार सरकार का फैसला क्या होगा, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, वहां उन्होंने दर्शन किए काशी विश्वनाथ के, और इसके बाद उन्होंने बड़ा रोड शो किया, जनता को संबोधित भी किया और सीधे तौर पर BJP पर निशाना साधा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि हम जीते तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे। ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम राहुल गांधी ने किया था। विकसित भारत विकसित राजस्थान के जरिए प्रधानमंत्री शामिल हुए और CM की जमकर तारीफ की। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान से भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कई किसान जो हैं वो बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और UP ये महत्वपूर्ण राज्य है जहां से किसानों का आंदोलन जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इसके अलावा झारखंड में चंपे कैबिनेट का विस्तार हुआ, हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली थी। झारखंड में भी सत्ता बदल हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोगों को ठगी का शिकार बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। अभी एक खबर UP से सामने आई थी जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनकर टिकट के नाम पर पूर्व विधायक से ठगी की कोशिश की गई और जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। ये फेक IG बनाकर गृहमंत्री अमित शाह की और लोगों को टिकट देने का, BJP के नाम पर टिकट देने का काम कर रहा था। हालांकि वक्त रहते पकड़ा गया है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हैं, बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे। अगर कमलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो कमल के साथ चले जाएंगे, इससे कहीं ना कहीं हाथ का साथ छूट जाएगा और ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। बताया जा रहा है कि नकुलनाथ भी और कमलनाथ भी दोनों ही BJP में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बयान ये भी आया था कि अभी मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ऐसा अभी है नहीं, अगर कुछ होता है तो सामने ज़रूर आऊँगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर खाने सब कुछ सेटिंग हो चुकी है, बस वो अभी ऑफिशियल होना बाकी है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, और ये वही कमलनाथ है जिसकी वजह से सपा और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी हमले हुए थे और जिसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में भी नजर आया था और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें लेने में भी नजर आ रहा है। अब वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं कांग्रेस का हाथ छोड़कर, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े चेहरे हैं, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, फिर इसके बाद अब कमलनाथ जी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर प्रहार BJP करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में भाजपा का चुनावी शंखनाद, JP नड्डा समेत अन्य बड़े नेताओं ने 2024 फतह करने का प्लान बना लिया है और कमल के फूल पर ही वोट देने की अपील लगातार की जा रही है कि कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है, कमल का फूल ही हमारे लिए सब कुछ है। इस तरह की बातें हो रही हैं और आज महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरा सप्ताह एकदम से हमने देखा है कि राजनीति का उलट फेर हुआ है और इसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस पर जनता का फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया, इस दौरान केंद्र पर उन्होंने तंज कसा। CM ने कहा कि विधानसभा खत्म कराना चाहते हैं ये लोग, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। राव जवानी कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया, 28 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर बहुत सारे निशाने साधे हैं, अरविंद केजरीवाल को ED का समन बार बार भेजा गया और आखिरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सामने आए, उन्होंने केंद्र सरकार पर कई तरह के हमले भी किए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बजट पेश हुआ है, 58,444 करोड़ का यह बजट पेश किया गया। दूसरी तरफ देहरादून में बजट सत्र का समर्थन करने वाले विधायकों पर सख्ती है, पार्टी जवाब भी मांगेगी।
इसके अलावा सीएम धामी ने चमोली को 400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। 3111 महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। इसके अलावा लालू की पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 3 विधायक के बगावत के बाद चौथे पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। ये महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर फोकस लगातार इस सप्ताह बना रहा है, क्योंकि ये हर क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर राज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से बड़े ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोकसभा सीटें ज़्यादा हैं, उन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम ले नहीं रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस जो है कांग्रेस पे है। धीरे धीरे कांग्रेस का दामन हर कोई छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बंगाल में जो चीज़ें चल रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। बंगाल में जिस तरह से महिलाओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर किस तरह के हमले किए हैं, किससे छुपे नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच जुबानी हमले जो हैं वो चलते रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल की जा रही है, जो भी खुलासा होगा वो सामने आ जाएगा। ईडी सीबीआई की छापेमारी भी लगातार जारी है, और जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है कि इससे बचने के लिए जो नेता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं ताकि उन पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा देश का मैं आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे और सप्ताह में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।